हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनीवे में स्वागत है। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करिए, वीडियो के एंड तक देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तो ही सब्सक्राइब और लाइक करिए, अन्यथा मत करिए। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक क्या था कि एस टी का मतलब कि निर्जलीकरण अभिक्रिया, या कह सकते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो एस टी का मतलब कि एसिटिक अम्ल की निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो एसिटिक अम्ल होता क्या है, यानी एसिटिक अम्ल एक अम्ल है, यानी खट्टा तरल पदार्थ होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, इसका IUPAC नाम अगर शायद अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसका IUPAC नाम, इसको OOH को तो एक होता है मेथ एथेनोइक, पेपर में आ जाएगा एथेनोइक की निर्जलीकरण अभिक्रिया एथेनोइक। अगर आप लोगों को IUPAC बनाना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा IUPAC नाम निकालना। तो देखिए, ये एसिटिक अम्ल है, इसकी निर्जलीकरण अभिक्रिया करना, यानी निर्जलीकरण करना है। तो निर्जलीकरण में होता क्या है कि इसको दो बार लेते हैं एसिटिक अम्ल को, एक बार ये यहाँ पे ले लिया, एक बार यहाँ पे ले लेंगे CH3COO, यानी इसको डबल बार लेना है, ले लिया। अब क्या करें, P2 उपस्थिति में होती है, P2O5 इसकी उपस्थिति में हो। तो देखिए, CH3CO इतना निकाल लेंगे दोनों से, तो क्या बचे, यहाँ पे आ जाएगा CH3CO CH3CO, इतना इससे निकाल लिया और इतना इससे निकाल लिया। अब देखिए क्या बचा, एक OH इसमें बचा। तो क्या करेंगे, एक इधर से बॉन्ड लगाएंगे, एक इधर से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे एक O निकाल लेंगे, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, हम इसी से निकाल लेते हैं। यानी हमने इससे एक O निकाल लिया, तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब क्या बचा, H, एक H ये बचा, एक H एक O ये बचा, प्लस का H, एक H एक H दो, और ये O बचा H2O, तो ये हमने लगा दिया। तो ये एसिटिक अम्ल की निर्जलीकरण अभिक्रिया ये हो गई, एसिटिक अम्ल की निर्जलीकरण अभिक्रिया ये है। तो आशा करते हैं हम लोग ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी।